आत्मा विधिज विषया भोगान पश्चात स्वतिभा ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्म सर्वान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा विद्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्रवशो न स्वीयम् आपके फोन से इस फोन में नेट दे सकते हैं। हाँ तब हमारे घर में काम कर आश्रय करके जन्म मृत्यु के शांकर्य से बच सकते हैं, सुख दुख के भोग से बच सकते हैं, कर्म कर्मफल की इस शांकर्य से बच सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। सृष्टि स्थिति के साथ भी हमारा कोई विरोध नहीं है, किंतु सृष्टि स्थिति की उपयोगिता एकत्र बोध के लिए है। उपासना आदि जो उपनिषद में वर्णन है उसके साथ भी हमारे विरोध नहीं है, क्योंकि वो अधिकारियों को उत्तम अधिकारी बनाने के लिए मध्यम मध्य अधिकारी को उत्तम अधिकारी को बनाने के लिए वहाँ पे कर्म और उपासना के विधान किया। इसलिए इस सिद्धांत से भी अद्वैत सिद्धांत का विरोध नहीं है। अन्य वादियों के द्वैतवादी है, उस श्रुति मूलक नहीं होने के कारण वो अद्वैत को मान्यता नहीं देते, द्वैत को पारमार्थिक मानते हैं। हम भी द्वैत को मानते हैं, व्यवहारिक मानते हैं, प्रातिभाषिक मानते हैं। और आप वो लोग दोनों ही व्यवहार में भी जो द्वैत पारमार्थिक और पारमार्थिक जो मतलब मुक्ति अवस्था में द्वैत को दोनों अवस्था में मानते हैं। इस प्रकार से उनका कहना को बोलते, देखो इसका जो स्वभाव है, पहले आपने अपने मूल तत्व को जन्म रहित माना, फिर आपने बोला उसी को ही व्यय परिणत होकर सारा उत्पत्ति होता है, ये होना संभव नहीं है। जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी व्यभिचार नहीं करता, वो उसे हमेशा उसी स्वभाव में रहता है। उपाधि के निमित्त से जिस प्रकार जल का धर्म है शीतलता, उपाधि के कारण उसमें उष्णता की प्रतीति होता है, कुछ देखने में बदल जाता है। इसी प्रकार से उपाधि के कारण आत्मा है, किंतु यद्यपि जल के साथ उष्णता के संबंध होना संभव है, परंतु आत्मा तो सर्वथा असंभव पदार्थ है। उपाधि के कोई धर्म भी उनके साथ संबंध नहीं करता, परंतु आत्मा सर्वथा असंभव ही रहता है। अनादिकाल से यदि हम मानते हैं कि अविद्या के अधीन होकर के व्यवहार करता है, फिर भी वो अविद्या के अधीन होकर के जो हमारा उपाधि है वो व्यवहार करते हैं, आत्मा की विद्यमानता के फलस्वरूप व्यवहार कर पाते हैं, परंतु आत्मा में कभी भी अज्ञान स्पर्श ही नहीं करता है। तो यहाँ पे बोल करके हम लोग इस श्लोक के ऊपर पढ़ रहे थे, नंबर 23 भूत तो श्लोक को एक साथ भूत तो वापी सिज्जमाने समाश्रुति निश्चितम युक्ति चाहे आपका भूतत्व मतलब आपको परिणाम बात को लेकर के बोलते हैं, और भूतत्व मतलब विवर्त बात को लेकर के बोलते हैं, श्रुति वाक्य को दोनों अवस्था में एक ही होगा। उसमें से हम जो है ये युक्ति संगत है, और जो हमारी श्रुति की प्रतिज्ञा और उपसंगार पुत्र उपसंगार के बल पर तात्पर्य क्षय लिंग के बल पर जो पारमार्थिक होता है उसको मानना चाहिए, दूसरे को नहीं मानना चाहिए। इसके ऊपर हास्य हो गया था, रड्डी का चल रहा है पेज 162 के लिए देखिए, क्योंकि वहाँ पे भगवान स्वयं जो है अपने आप आरोप के बोलते हैं, देखो कि जो भी कुछ सृष्टि दिखाई पड़ रहे ना, माया ही हेषा माया सृष्टा जन माम पश्य नारद
सर्वभूते गुणे युक्तम नहीं ब्रह्मा मन तुम हसी ज्ञान तुम हसी इस प्रकार से बात होनी चाहिए। श्री अग्रवाल जी इसमें नहीं भर सकते वहाँ के लिए इस प्रकार से देखिए कल यहाँ तक टीका हमने पढ़ लिए थे। मुख्य सृष्टि अंगीकारे अभी सत्य सृष्टि न सिद्धति सृष्टि सब मतलब हुआ है ऐसा मानने पर भी सृष्टि में सत्यत्व नहीं है ये हमारे सिद्धांत है। अस्मत् पक्षे सत्ता या सृष्टि सृष्टि शब्द अर्थत्व चर्चत्व न अप्रसिद्धत्वाति परिहरति क्या बोलते हैं हमारे पक्ष में सृष्टि की सत्यता सत्यता या सृष्टि सृष्टि शब्द अर्थत्व सृष्टि शब्द है परंतु कहीं भी हो ये सत्य है ऐसा नहीं कह सकते यानी इसने बोलता है सृष्टि शब्द का अप्रसिद्धत्व उसमें प्रसिद्ध नहीं है इति परिहरति इसके मन में न आपका कथन सही नहीं है। अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्व मिथ्या भिन्न सत्य रूप में सृष्टि कहीं प्रसिद्ध भी नहीं है अन्यथा सृष्टि मतलब यहाँ पे सत्य रूप में सृष्टि है ना और अमायिक का सृष्टि अन्यथा मतलब कहे माइक के बिना भिन्न सीधा सीधा सृष्टि ये होना संभव नहीं है। सृष्टि अप्रसिद्धता सृष्टि शब्द की माया भिन्न प्रसिद्धि नहीं है। अब जो है यहाँ पे लौकिकानाम टीका में इस पंक्ति में भी पढ़ लिया कि लौकिकानाम मुख्य सृष्टि सत्य सृष्टि तेन प्रसिद्धि अभी फल अभाव न तत्र श्रुति तात्पर्य अन्य तार्किकों का 14 नंबर टिप्पणी में हाँ कल जो आपने टिप्पणी बता रहे थे ना 12 नंबर टिप्पणी यहाँ पे लिखे अन्विते अपि व्याघ्रतस्य है ना तो हमारी पुरानी पुस्तक में देखा वहाँ पे अंगिकत्व अपि जैसा आपकी पुस्तक में लिखकर संस्करण किया हुआ है अंगिकत्व अभी 12 नंबर टिप्पणी में देखिए देवदत्त अन्विते अपि व्याघ्रतस्य अच्छा तो पंडित अपनी व्याख्यान का देवता सिंह सिंह मानव को बोला इस समय ओ भैसा सुनो तो आप इस समय जो है पुस्तक नहीं मिल सकता आप यहाँ दिन भर रहते हैं किसी बालक को बोलते हैं कि अश्रम छंदी को बोलते हैं आपको मिल जाता पुस्तक यहाँ पे लाइब्रेरी इस समय तो यही नहीं इन लोगों से बोल सकते अब तो कैलाश में ठहरे हैं तो बोलने से भी नहीं जाता। लौकिकानां मुख्य सृष्टि सत्य सृष्टि देना प्रसिद्धि अभी लौकिक मतलब अन्य सिद्धांत की दई तो मुख्य सृष्टि में सत्यत्व मानने पर भी इस प्रकार सृष्टि के ज्ञान से कोई फल नहीं होता फल अभाव न तत्व श्रुति तात्पर्य इसलिए सृष्टि में श्रुति की तात्पर्य नहीं है उसको मन में रखते होते निष्प्रयोजन अवचाम सृष्टि के सत्यत्व मानने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता यह हमने पहले कह करके आया। अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्व स्पष्ट यदि मतलब सृष्टि की सत्यत्व की प्रसिद्ध नहीं है उसी को स्पष्ट करके कहते अन्यथा यहाँ पे सत्य रूप में सृष्टि अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्व में होता अन्यथा सृष्टि मतलब क्या लेंगे सत्य सृष्टि की प्रसिद्धि नहीं है इस विषय को स्पष्ट करके कहते हैं। अब भाष्य में कहाँ लिखेंगे अविद्या अविद्या सृष्टि विषया एव सर्व गौणी मुख सृष्टि न परमार्थत ठीक है बिना भाष्य में 192 पेज में लास्ट में आइटम कौन सबसे अंतिम में अविद्या सृष्टि विषय मतलब सृष्टि अविद्या आविद्यक है चाहे सभी सृष्टि गौण मुख्य चाहे आप उसको गौण मानो चाहे मुख्य मानो वो अविद्यक सृष्टि है न परमार्थ तो पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं। अब देखिए इसको आनंद जी लिखते हैं गौण सृष्टि मतलब एक व्यावहारिक सृष्टि एक प्रातिभाषिक मुख्य और गौण बोला ना एक प्रातिभाषिक और व्यावहारिक को लेकर के बोलते हैं गौणी स्वप्न रथादि सृष्टि ठीक है ना गौण सृष्टि क्या है स्वप्न काल में प्रातिभाषिक तो स्वप्न काल में जब रथादि को बना लेते हैं है ना तो वो हो गया हमारा गौण सृष्टि और मुख्य सृष्टि क्या हो जाएगा मुख्य जागरे घटादि सृष्टि चाहे मुख्य जागृत काल में घटादि सृष्टि करो दोनों की दृष्टि होते हैं जो बैठा हुआ इसलिए बोलते हैं मुख्य जागरे घटादि सृष्टि और गौणा हो गया प्रातिभाषिक एक प्रातिभाषिक और एक व्यवहारिक चाहे आप जगत को प्रातिभाषिक मानो चाहे आप जगत को व्यवहारिक मानो परंतु जगत को पारमार्थिक मानने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए बोलते हैं फिर मुख्य जागरे घटाक्ष सर्वापी अविद्या अवस्थाया में सारा दोनों प्रकार की सृष्टि अविद्या अवस्था में होना संभव है। भगवान भास्कर अध्यास भाष्य में स्पष्ट करके देखा वहाँ पे जितने सारे व्यवहार है वो अध्यास करके ही होना संभव है। आत्मा के ऊपर हमने प्रमाता मैं प्रमातृत्व को आरोप करके फिर प्रमाण के द्वारा प्रथम वस्तु को जानते सारा व्यवहार हो पाता है
जब तक आत्मा में प्रमाणित तो नहीं है, परंतु यहाँ पे प्रमाण प्रमेय व्यवहारिक आत्मा में नहीं है और केवल मंत्र जो है मतलब व्यवहार के लिए उसको प्रयोग किया गया, उसमें पारमार्थिक होता है ही नहीं। इसको लेकर के बोलते हैं कि सर्व अविद्य अवस्थायाम एव सत्याम तस्याम सत्याम एव अभावात् न तद्दृष्ट्वा कापि सृष्टि संभवति मुख्य मतलब गौणी स्वप्ने रथादि सृष्टि मुख्य जागरी घटादि सृष्टि सर्व अपि अविद्य अवस्थायाम एव सारा जो अविद्य अवस्था में ही तस्याम सत्यम तस्याम मतलब सृष्टि के सत्यत्व की मानने पर सत्यमेव भावा न तद्दृष्टा उद्दृष्ट से कापि सृष्टि संभवति पारमार्थिक दृष्टि से तत्वदृष्टा न तत्वदृष्टा कापि सृष्टि संभवति तात्विक दृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का सृष्टि होना संभव नहीं है। टीका में मुख्या जागरे घटादि सृष्टि सर्व अपि चाहे गौण सृष्टि हो चाहे मुख्य सृष्टि हो सर्व अपि अविद्य अवस्थाया में वो सत्य वो सारा अविद्य अवस्था में आपका होना संभव होने के कारण तस्याम सत्या में वो भाव न अविद्य अवस्था में सत्य रूप में प्रतीति होने कारण न तत्व दृष्टि का सृष्टि से तत्व दृष्टि से किसी भी प्रकार की सृष्टि होना संभव नहीं है। तस्याम सत्याम भाव मतलब अविद्य अवस्था में उसको सत्य रूप में प्रकृति होने के कारण शब्द में है तत्व दृष्टि का भी सृष्टि न संभव भावात के बाद नकार है वह भी अन्याय होगा भावा तत्व दृष्टि तात्विक दृष्टि से किसी प्रकार का सृष्टि होना संभव नहीं है। अच्छा भाई आगे और बोलते हैं देखिए तथा भूतस्य इस प्रकार जो सृष्टि है उसका स्वतः परतः वह वस्तु न अन्यथा भाव अभाव स्वतः परतः वस्तु तो अन्यथा भाव मतलब सत्यत्व भाव के अभाव भाव असंभव सत्यत्व भाव होना संभव नहीं होने के कारण तद अतिरेक न सृष्टि अजोगात माया को छोड़कर सृष्टि को होना संभव ही नहीं है। तथा भूतस्य दो नंबर टिप्पणी देखी मतलब मिथ्या भूतस्य वह लगातार टिप्पणी है मिथ्या भूतस्य दो नंबर टिप्पणी तथा भूतस्य मतलब इसमें कोई पारमार्थिक नहीं है। इस प्रकार स्वतः परतो वा स्वतः सिद्ध मतलब स्वरूपेण परत मतलब कार्य रूपेण स्वतः मतलब स्वरूपेण और मतलब और कार्य रूपेण दिखाई पड़ता दोनों अवस्था में स्वतः परतो वा वस्तु वस्तु मतलब अविद्य आत्मा का वस्तु में कौन सा विभक्ति हुआ था षष्ठी एक वचन वस्तु इंटरजेंडर है एक अच्छी विभक्त स्वामी माता होता है आपको षष्ठी एक वचन वस्तु न अविद्य आत्मकस्य मतलब अविद्य अवस्था में यदि खड़ेगा अन्यथा भाव असंभव उसकी सत्यत्व होना संभव नहीं होने के कारण अन्यथा शयन अन्यथा भाव सत्यत्व असंभव अन्यथा भाव असंभव मतलब सत्यत्व भाव असंभव इस प्रकार यहाँ पे भी जो आया हूँ ना टीका में 160 रुपये में लास्ट में जो अन्यथा शब्द आया है ये अन्यथा शब्द से क्या लेंगे सत्यत्व सृष्टि सत्य सृष्टि अप्रसिद्धत्व अन्यथा शब्द में सत्य सृष्टि की प्रसिद्ध नहीं होने के कारण निश्चय कर अन्यथा भाव सत्य असत्यत्व अभाव अथवा सत्यत्व की होना असंभव इस कारण से असंभव तद अतिरेके तद अतिरेके मतलब अविद्या अतिरेके सृष्टि अजगत अविद्या से बिना सृष्टि होना संभव ही नहीं है सारा व्यवहार अविद्या होता है इसीलिए हमें बोलते हैं कि तथा भूतस्य मतलब मिथ्या भूतस्य स्वतः परतो वा स्वतः मतलब स्वरूपेण कार्यरूपेण वा स्वरूपेण कार्यरूपेण वा वस्तुन मतलब अविद्यात्मकस्य जो अविद्या के कारण दिखाई पड़ता है अन्यथा भाव असंभव सत्यत्व होना संभव नहीं होने के कारण तद अतिरेक न माया से भिन्न करके सृष्टि अजगत माया के बिना सृष्टि होना संभव नहीं होने के कारण इति अर्थ इसका अभिप्रेत अर्थ ये जो कथन करके ठीक है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक ही लाइन में सारा टिप्पणी आया हुआ है ना छोटा छोटा स्वतः स्वतः दो नंबर टिप्पणी मिथ्या भूतस्य 3 नंबर स्वरूपेण 4 नंबर परत कार्य रूपेण वस्तु अविद्यात्मकस्य अन्यथा भाव अतः सत्यत्व असंभव अन्यथा भाव असंभव ये इसका अर्थ हो गया पूरा पंक्ति का अर्थ कर दिया। अब जब बोलते हैं वस्तु स्वरूप आलोचनाया वास्तव्या सृष्टि असृष्टते श्रुति अनुकूलयति वस्तु स्वरूप को आलोचना करने पर मतलब श्रुति श्रुति वाक्य को षटलिंग तात्पर्य में डाल के विचार करने पर वस्तु स्वरूप आलोचनाया वास्तव्या सृष्टि सृष्टि में पारमार्थिकता वास्तव्य मतलब पारमार्थिकता सृष्टि का वास्तव्य वास्तव्य में कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए
बोलिए षष्ठी एक वचन क्यों तो प्रातिपदिक क्या होगा वास्तवी वास्तवी वास्तव से वास्तविक मतलब सृष्टि स्त्रीलिंग है सृष्टि का विशेषण है ये सृष्टि है सृष्टि का षष्ठी है वो इसीलिए वास्तव्य मतलब वास्तविकता सृष्टि की वास्तविकता ठीक है ना वास्तव्य है ना वास्तव में रहने वाले भाग वास्तव उसमें रहने वाले भाग को दिखाने के लिए शय प्रत्यय वास्तव्य उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हो गया गिप्त हो गया वास्तवी 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 होने के बाद उसका तुम्हारा वास्तवी बना फिर उसके षष्ठी एक वचन बना तो वास्तविकता की जो भाव है सृष्टि असृष्टत्व मतलब संगत मुक्ति संगत नहीं हो जाए इस विषय में श्रुति अनुकूल श्रुति को एक प्रमाण के रूप में दिखाते हैं क्या श्रुति दिखाया स्वाह्यभ्यंतरो ही अजह अंदर बाहर पूर्ण रूप से भी अकेला ही विद्यमान जन्म रही तब तक अंदर बाहर पूर्ण अकेला ही विद्यमान उससे भिन्न कुछ भी नहीं है इतनी श्रुति इस प्रकार श्रुति होने के कारण अब क्या बोलते हैं कि सृष्टि अविद्या विद्यमानत्वपि किं वस्तु विवक्षितमिति आशंका उत्तरार्थं विभाजयति ठीक है सृष्टि का अविद्या के कारण विद्यमानत्व मतलब अस्तित्व दिखाई देने पर भी सृष्टि अविद्या विद्यमानत्व सृष्टि का अविद्या से विद्यमानत्व सिद्ध होने पर भी किं वस्तु विवक्षितम तो अभिप्रेत अर्थ क्या निकला सार क्या निकला यदि ऐसा प्रश्न करते हैं तो बोलते किं वस्तु विवक्षितम इसके उत्तर में बोलते हैं कि आशंका इसका शंका करने का उत्तरार्थम विभाजते अगला भाग को विभाजन करके बोलते हैं उत्तरार्थम विभाजते क्या बोलते हैं तस्मात् श्रुत्या निश्चितम यत् एकम एव अद्वितीयम अजम अमृतमिति युक्ति युक्तम च ठीक है ना तो बोलते हैं इसलिए तस्मात् युद्धाश में श्रुत्या निश्चितम इसलिए श्रुति के द्वारा निश्चय किया गया क्या निश्चय किया गया एकम एव अद्वितीय निश्चय कहाँ से आ रहा है शब्द एव है ना श्रुति के द्वारा निश्चय करके दिखाया गया एकम एव अद्वितीय है ना अजम अमृतम जन्म रहित है मृत्यु से रहित है इति युक्ति युक्तम च यही मानना युक्ति संगत है ये मन तस्मात् मतलब सृष्टि आविद्यकत्वेन मिथ्यत्व तस्मात् शब्द कर जाएगा एक नंबर की उन्होंने देखो लिख दिया किंतु सृष्टि अविद्या से होने के कारण मिथ्या है इसलिए जो निश्चित करके श्रुति ने दिखाया प्रतिज्ञा में एक कमी को अद्वितीय मतलब अपने कभी युक्ति संगत यही मानना युक्ति युक्त है अच्छा फिर आगे बोलते हैं स्वाई ये हो गया कि तस्मात् नील अवयवत्तम विभुत्तम इत्यादि युक्ति युक्ति क्या है कि जो जगत का मूल कारण है वो नील अवयव है जो जगत का मूल कारण है वो क्या है नील अवयव है और क्या है व्यापक है व्यापक और नील अवयव वस्तु में कभी भी परिणाम होना संभव नहीं है व्यापक और नील अवयव वस्तु में कभी भी परिणाम होना संभव नहीं है ना तो परिणाम तो परिच्छिन्न सावयव वस्तु में परिणाम होना संभव है व्यापक और नील अवयव ये युक्ति है किसी भी जगह पे आप आकाश में क्योंकि आकाश में व्यापक माना गया है इसलिए आकाश व्यापक भी है और नील अवयव भी है इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का विकार होना संभव नहीं इसलिए हम बोलते हैं नील अवयवत्म विद्युतम इत्यादि युक्ति जहाँ पे नील अवयव वस्तु व्यापक वस्तु वहाँ पे परिणाम होना संभव नहीं है तेना अद्वैतम एवं स्तुति तात्पर्य गम्यम न द्वैतम इति फलितम इसलिए अद्वैत में ही अद्वैत में ही स्तुति का तात्पर्य है द्वैत में नहीं है इति फलितम इसका निष्कर्ष निकला और वास्तविक देखो द्वैत तो हमें सामान्य प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है इसलिए स्तुति की तात्पर्य द्वैत को प्रतिपादन में नहीं है किंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जाना जाता है ये जो अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है कोई स्तुति का प्रतिपाद्य विषय है तेना अद्वैत में स्तुति तात्पर्य गम्यम न द्वैत न द्वैतम इति फलितम उसको मन में रखो तदेव श्रुति अर्थ भवति न इतर उसको ही मतलब सृष्टि में पारमार्थिकता नहीं है मतलब भेद पारमार्थिक नहीं है यही श्रुति का तात्पर्य सृष्टि होना संभव नहीं है न इतर कदाचित भी किसी भी अवस्था में भिन्न मतलब श्रुति में सत्यत्व होना अथवा भेद सत्य होना सृष्टि में सत्यत्व व भेद सत्य होना संभव नहीं है ये इसका तात्पर्य सृष्टि मिथ्या इस विषय में क्या प्रमाण है युक्ति जो आपने बोला उसको देखिए सृष्टि मृषत्व स्पष्टीकरण द्वारेण अद्वैतम एव श्रुति अर्थतया निर्धारयितुं श्रौत निश्चयम एव विवृणोति ठीक है
सृष्टि मृषत्व सृष्टि में मृषत्व रूप धर्म बैठा हुआ स्पष्टीकरण द्वारे न उसका स्पष्टकरण के माध्यम से अद्वैत में श्रुति अर्थ तया अद्वैत श्रुति के तात्पर्य जो विषय है इसको निर्धारण करने के लिए स्रोत निश्चय में श्रुति ने जो निश्चय करके दिखाया उसी को स्पष्ट करके बोलते हैं उसको विवरण उसको विस्तार से बोलते हैं सृष्टि सृष्टि का मृषत्व मृथत्व रूपी धर्म स्पष्टीकरण द्वारे न वो उसमें वो धर्म बैठा हुआ इसको स्पष्ट करके समझाने के माध्यम से अद्वैतम एव श्रुति अर्थ तया निर्धारण अद्वैत श्रुति का तात्पर्य के विषय इसको निर्धारण करने के लिए निर्धारित स्रोत निश्चय एवती श्रुति के निश्चय को विस्तार से कह देना में ग्रंथ का क्या बोलते हैं अब श्लोक में 24 नेहनानेति चामनाना नेहनानेति चामनाया इन्द्र माया विरित्तपि इन्द्र माया विरित्तपि अजायमान बहुधा मायया जायते तुसः मायया जायते तुसः नेहनानेति चाम्नाया इन्द्रो माया विरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते दुषः कठु प्रश्न में क्या आता है नेहनाना स्तुति है ना इस यहाँ पे जो है बिंदु मात्र भेद सृष्टि में नहीं है स्तुति निश्चय है ये श्रुति क्या बोलते हैं इंद्र माया भी पूर्ण रूप में इंद्र मतलब परमेश्वर अपनी माया शक्ति के अनेक भाव को रूप में प्रतीति होते हैं अनेक रूप में प्रतीति अपने मतलब प्राप्त करता है जैसे प्रतीति होते हैं थोड़ा तो क्या हो गया अजायमान जिसके अंदर सृष्टि होने का संभव नहीं है मतलब जन्म रहित तत्व तो का ही बहुधा माया जायते माया से अनेक प्रकार से पैदा स बहुधा माया जायते वो मतलब विलक्षणता को दिखाने के लिए मतलब अजान भी होना संभव है माया से जो है ये प्रतीति माइक है इसको निश्चय करके तू शब्द बीच में दिया हुआ है तो तीन चीज जो है ये भी श्रुति वाक्य है अजायमान बहुधा माया जायते तुषः न जाय इसमें सृष्टि होना संभव उत्पत्ति होना संभव नहीं है इस प्रकार की वक्तु माया से उत्पत्ति हुई जैसा प्रतीति होती है माया जायते तुषः ये कठोर परिषद नेहनास्ती चिंतन है 2:1:11 और परिषद इंद्र माया भी पूर्ण रूप ये है आपका मधु ब्राह्मण प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण का हम प्रथम ग्रंथ इस श्रुति का नंबर जो है मेरे को ढंग पर नहीं मिलता है मतलब आपको लगता है शेतर शेतर हो सकता है अजायमान बहुधा माया जाए तब यहाँ पे बोल रहे हैं मतलब क्या हो गया श्रुति प्रमाण का आधार पे क्या दिखाया कि भेद सत्य नहीं है नेह नानास्ति किंचन यहाँ पे नाना तो है ही नहीं अनाया इस प्रकार श्रुति वाक्य होने के कारण फिर और क्या श्रुति वाक्य है इंद्र मायाभीर इंद्र मायाभीर रूप अभिज्ञते परमेश्वर अपनी माया शक्ति से अनेक रूप धारण करता है अभिप्राय क्या है अजायमान बहुधा माया जायत वास्तविक जन्म वहाँ पे नहीं होते हुए भी जन्म नहीं होते हुए भी माया से पैदा हुआ जैसा प्रतीति माया जायते अब देखिए यहाँ पे टीकाकार भाष्यकार की उपेक्षा दे रहे हैं आकांक्षा प्रदर्श श्लोक अक्षराणी व्याकरति इस श्लोक के पीछे क्या कारण मतलब श्रुति ने क्या निश्चय करके दिखाया बताओ तो पूर्व ने क्या आपने क्या किया यहाँ पे लास्ट श्लोक में क्या कहता था निश्चितम युक्तियुक्तम च यत् तदेव भवति न इतरः जो श्रुति ने निश्चय करके दिखाया और जो युक्तिसंगत है वही को मानना चाहिए तो श्रुति ने क्या निश्चय करके दिखाया जो पहले श्लोक इसलिए बोलते हैं कथम श्रुति निश्चय कैसे श्रुति की निश्चय है क्या निश्चय करके दिखाई आह श्रुति को कहते हैं ठीक है इसलिए उसको बोलते हैं आकांक्षा प्रदर्श मतलब श्रुति क्या निश्चय करके दिखाए इस आकांक्षा को दिखा करके श्लोक अक्षरानी श्लोक में आए हुए पद को व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार श्लोक अक्षरानी क्या करो की व्याख्या करते हैं कथम श्रुति निश्चय उसमें श्रुति कैसा निश्चय कैसे बोल क्या है श्रुति का निश्चय क्या है कि आह उसको उत्तर होता है यदि ही भूतत एव सृष्टि सैत तथा सत्यम एव नाना वस्तु इति
तद अभाव प्रदर्शनार्थ आमनाय न स्यात्। देखिए क्या बोल रहे हैं आपके, यदि सृष्टि पारमार्थिक हुई होती, यदि भूतत्व एवं सृष्टि मतलब परिणाम बात को लेकर सृष्टि हुई होती पारमार्थिक, यदि स्थिति भूतत्व एवं सृष्टि सारी कंडीशन में पोटेंशियल मोड को प्रयोग करते हैं विधि निर्दिष्ट मतलब कंडीशन, यदि ऐसी हुई होती तो ऐसा होगा। इसने बोलता है यदि ही भूतत्व एवं सृष्टि सैत, यदि पारमार्थिक सृष्टि हुई होती तब तब सत्यमेव नानात् वस्तु, इसीलिए भेद दिखाई पड़ता है यह सत्य होगा। तब श्रुति आगे जा करके तब इति यदि ऐसा इति तब अभाव प्रदर्शन कर, यदि ऐसा होता तब उसकी अभाव को दिखाने के लिए आम नाश है जो सत्य भेद को दिखाया उसकी अभाव को अपने आप जिस भेद को श्रुति ने दिखाया श्रुति अपने आप उसके अभाव भी दिखाता है। तब अभाव प्रदर्शनार्थ उसके अभाव को दिखाने के लिए आम नाय मतलब श्रुतिवाद को नाश है, श्रुतिवाद को नहीं होना चाहिए था। यदि भेद पारमार्थिक सत्य श्रुति को दिखाना अभिप्राय होता तो श्रुति उस भेद को दिखा करके फिर उसका निषेध नहीं करती, निषेध नहीं करते श्रुति। इसलिए यहाँ पे यदि ही भूतम एव सृष्टि सैत तत्र सत्यम एव नाना वस्तु, तब तो क्या होता समस्त सृष्टि सत्य वस्तु नाना भिन्न का सत्य होता। तब तो इति मतलब तब तो तद अभाव प्रदर्शनार्थ मतलब उस भिन्नता के अभाव को प्रदर्शन दिखाने के लिए आमना या ना से श्रुतिवाद को नहीं होना चाहिए, प्रतिश्रुतिवाद को मिलता है हमको। इसलिए बोलते हैं अस्ति च प्रतिश्रुतिवाद को भेद के निषेध करने के लिए, नेह नास्ति किंचन है ना, यहाँ तो सृष्टि में भिन्नता बिल्कुल नहीं है, किंचन थोड़ा मात्र भी भिन्नता नहीं, नेह नास्ति किंचन का लोक चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या श्रुति ने क्या निश्चय करके दिखाया तब समझा रहे, यदि श्रुति ने भेद को दिखाया और भेद को दिखाना यदि श्रुति की अभिप्राय हुई होती तब श्रुति आगे जा करके अपने आप उसको निषेध नहीं करती, ठीक है ना, यही बात है। इसलिए बोलते हैं यदि ही भूतत्व एव सृष्टि चेत, यदि सृष्टि पारमार्थिक हुई होती तब तो सत्यमेव नाना वस्तु, तब तो सारा भिन्नता सत्य हो जाता। तब इति मतलब तब तो तब अभाव प्रदर्शन तो उस भेद की अभाव को दिखाने के लिए अमनाय नाश है ना, श्रुतिवाद को नहीं होना चाहिए था। परंतु मिलता है श्रुतिवाद को अस्थि च परंतु श्रुति जो यहाँ पे टू अर्थ है, परंतु मिलता तो एगो अर्थ है, किंतु है वहाँ पे क्या है नेह नास्ति चित्त में, यहाँ पर विद्व मात्र भेद नहीं है। द्वैत के जो विद्यमानता उसको निषेध करने के लिए श्रुतिवाद को प्राप्त होता है। तस्मात् आत्म एकत्व प्रतिपत्ति सीधा ही तस्मात् आत्म एकत्व प्रतिपत्ति अर्थात कल्पिता सृष्टि अभूत एव प्राण संवाद, ठीक है ना। क्या बोलते हैं तस्मात्, इसलिए एक नंबर टिप्पणी द्वैत भाव से प्रतिषिद्धत्वाद अर्थ है ना, द्वै विद्यमान द्वैत की विद्यमानता को श्रुति निषेध करती है, इसलिए तस्मात् आत्म एकत्व प्रतिपत्ति अर्थात आत्मा की एकत्व को बोध कराने के उद्देश्य से कल्पिता सृष्टि, सृष्टि कल्पिता है अभूत एव प्राण संवाद, पारमार्थिक नहीं है। जैसा प्राण संवाद, प्राण संवाद में प्राण की सृष्टिता को दिखा वहाँ पे लड़ा, मैंने बोल करके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये किया वो किया उसमें पारमार्थिकता नहीं है, प्राण की सृष्टित्व को दिखाने प्रतिपादन किया गया, ये हो गया पहला एक नंबर। इसका क्या बोलता है इंद्र माया भी गुरु रूप दीयते इति अपि अभूतार्थ प्रतिपादकेन माया शब्देन सृष्टि, क्या बोलते दूसरा क्या है हर जगह पे देखो हम जहाँ पे सत्य नहीं होता होता ये तो माइक है, ऐसे प्रयोग करता है श्रुति, श्रुति स्वयं वहाँ पे सृष्टि के लिए माया शब्द को प्रयोग किया, माया से सृष्टि होना था। श्रुत है इंद्र माया भी पूर्व रूप ये जो वेदानक श्रुति है द्वितीय ये वाक्य भी अद्भुत अर्थ प्रतिपादक है, मतलब सृष्टि में पारमार्थिकता नहीं है इसको प्रतिपादन के रूप में माया शब्द न माया शब्द के द्वारा सृष्टि, सृष्टि का माया के माध्यम से माया शब्द के द्वारा सृष्टि को दिखा गया व्यापोदेश इस प्रकार उपदेश होने के कारण। तब देखो भाई तुम तो शब्द को देखा डिक्शनरी देखा डिक्शनरी में माया शब्द को प्रज्ञा की जहाँ पे प्रज्ञा शब्द के लिए पर्याय का शब्द आया हुआ है माया शब्द को वहाँ पे प्रयोग किया गया है, आप माया को मिथ्या कैसे बोलिए, माया शब्द तो प्रज्ञा के लिए प्रयोग मतलब ज्ञान के लिए बोला जाता है, बोल तो मिथ्या है ये कैसे हो सकता है। तो बोलते हैं ननु प्रज्ञा वचन माया शब्द, कोई वैयाकरण बैठा हुआ था
वो बोलते हैं कि नहीं, आपने बोल दिया माया मतलब मिथ्या। नहीं नहीं, माया मिथ्या नहीं है, माया तो प्रज्ञा की ज्ञान की बात, प्रज्ञा की पर्यायवाची शब्द है, प्रज्ञा वचन माया शब्द। वहाँ पर देखिए कि पाँच नंबर टिप्पणी को लिखी है, पाँच नंबर टिप्पणी को देखिए, प्रज्ञा नाम सुप्रज्ञा नाम की मतलब डिक्शनरी में प्रज्ञा शब्द लिख करके उसका पर्यायवाची कितना शब्द है उसको दिखाता है। देखो केत केतु चेत चित्तम क्रतु अशु धी शचि माया वयुनम अभिखा अभिख्या इति एकादश प्रज्ञा नामानि इति निर्घंट पाठ। निर्घंट डिक्शनरी है ये, तो भैया करें तो नहीं शायद पूछा माया मतलब मिथ्या कौन बोलता, माया मतलब तो ज्ञान है, कैसे उठा करके दे दिया। यहाँ पे बोलते हैं प्रज्ञा नाम शो मतलब जहाँ पे प्रज्ञा शब्द पढ़ा गया है उसमें उनका ग्यारह पर्यायवाची शब्द लिखा है। केत केतु शब्द अर्थ वही है, पर्यायवाची शब्द मतलब वही अर्थ प्रज्ञार्थ में, केत केतु चेत चित्तम क्रतु अशु धी शचि माया वैनम अभिख्या यदि एकादश प्रज्ञा नामान यदि निर्घंटु पाठ। निर्घंटु में ऐसा पाठ निर्घंटु क्वेश्चन है जहाँ पर श्रुति बाप को अर्थ किया गया, तो प्रज्ञा नाम में माया को पढ़ा गया, मिथ्या कैसे बोल सकते हो आप, मिथ्या कैसे बोल सकते हो। तब हम आप उनको देखिए कितना सुंदर सत्य अंगीकार करते हुए पढ़ा गया है ना। भाष्य में केवल देखिए, हाँ आपने जो बोला सही है, परंतु यहाँ पे आपका जो ज्ञान होता है ना वो ज्ञान कैसे होता है, सामान्य व्यक्तियों का ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इंद्रियों का तरह प्राप्त करते हैं, और इंद्रियों का तरह जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तो लिमिटेड होता है, वो सच्चे पारमार्थिक नहीं है। तब देखिए बोलते हैं सत्यम, और हम जिस कारक ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं वो ज्ञान इंद्रियोगम ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से वही पूछा है, इंद्रियों से परे है वो। इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात्व अभ्युगमान अदोषः, भाष्यकार एक शब्द में लिख दिया। देखिए जो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का अविद्यामय तेन आविद्या अविद्यामय मतलब अविद्या के क्षेत्र अंतोपाती है ना, जो भी कुछ दिखाई देता है जो इंद्रियगम्य वस्तु होता है वो अविद्या से प्रतीति होती है। इसलिए तो अध्यास भाष्य हमारे लिए इतना एक क्रम कर जैसे भाष्यकार को मानने वाले अध्यास भाष्य क्या है, सीधा सीधा देखा जहाँ कहीं भी व्यवहार है अब समझना वो जो है अध्यास होकर माइक व्यवहार है। इसलिए बोलते हैं इंद्रिय प्रज्ञाया इंद्रिय प्रज्ञा का अविद्यामयत्वेन अविद्यामय होकर के व्यवहार होने के कारण मायात्व अभ्युगमा को माया के द्वारा बोला गया है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए प्रज्ञा शब्द में जब माया को पढ़ा गया है यहाँ पे ये प्रज्ञा जो है प्रज्ञा स्वरूप प्रज्ञा को नहीं बोल रहे हैं, इंद्रियगम ज्ञान को बोला जाएगा तो माई है उसमें कौन सा सुविधा है, अब ये मानती है दोष इंद्र माया भी। इसलिए बोलते हैं माया भी मतलब इंद्रिय प्रज्ञा भी इंद्र माया भी पूर्वरूपम ईयते, वह पाया था वहाँ पे माया शब्द का अर्थ बोलते हैं प्रज्ञा है, बोलते बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हमें। माया भी मतलब इंद्रिय प्रज्ञा भी अद्रिय अविद्या रूपा भी रीति अर्थ, इंद्रिय प्रज्ञा के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जब हम विषय को देखते हैं तो हमको अनेक विषय दिखाई पड़ते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस मतलब उसमें रूप भी अनेक शब्द भी अनेक, ये सब इंद्रिय प्रज्ञा है। इसलिए हमें बोलते हैं माया भी इंद्रिय, माया भी मतलब क्या हो गया इंद्रिय प्रज्ञा भी। देखिए माया शब्दों के द्वारा अर्थ प्रज्ञा किया है ना, माया भी मतलब इंद्रिय प्रज्ञा भी मतलब अविद्या रूपा भी जो भी है ना अविद्या से प्राप्त होता है यदि अर्थ इसका भी प्रकट हो गया। ये हो गया पहला लाइन में आया हुआ है ना नेहन नास्ति च अन्नाया इंद्र माया भी पूर्वक इंद्रों का अर्थ कर दिया। अब लेस लाइन क्या है अजायमान बहुधा माया जायते दुष, अजायमान बहुधा माया जायते दुष, तो यह बोलते हैं द्वितीय लाइन को लेकर अजायमान बहुधा। दो नंबर टिप्पणी देखिए बोलते अजायमान वस्तु न जन्मशून्य इत्यर्थ, जो जन्मशून्य वस्तु है अजायमान उसमें से पैदा होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए बोलते अजायमान बहुधा विजायते इति श्रुते, श्रुते वाक्य है छुटी बात तो क्या बोले बोलती है वहाँ पे अजायमान जिससे जन्म होना संभव नहीं है ये जो है अनेक रूप में बहुधा विजायते अनेक रूप से पैदा हो जाता है इसी श्रुति श्रुति वाक्य से, मतलब जिसमें जन्म होना संभव नहीं है वहाँ पे जन्म दिखाई पड़ता है तो क्या काम किसका काम है अघटन घटन प्रतिरसी माया, जो होना संभव नहीं है जो होकर के दिखा दे वही माया है। इसलिए बोलते हैं
तस्मात माया एव जायते दुष्ट, इसलिए माया से ही सृष्टि होना संभव है, इससे भिन्न पारमार्थिक सृष्टि होना कभी भी संभव नहीं है। तस्मात तीन नंबर टिप्पणी में पदस्य वास्तव जन्म असंभव, जो पारमार्थिक आपने प्रतिज्ञा किया वो प्रकृति से जन्म रहित है, और उसमें जो है क्या किया आपने, अनेक जन्म सृष्टि हो गया, तो पारमार्थिक होना संभव नहीं है क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है तो जन्म रहित वस्तु है और उससे सृष्टि हुई, ऐसा जो कहते हैं तो परिणाम होना संभव नहीं है, विवर्त में होना संभव है। तस्मात तस्मात मतलब अदस्य वास्तव जन्म असंभव, और जन्म रहित वस्तु में पारमार्थिक जन्म होना संभव नहीं होने के कारण श्री माया जायते दुष्, वो तो माया के माया से ही वो पैदा हुआ ऐसा प्रतीति होती है। तू शब्द अवधारणार्थ है ना, यहाँ पे जो माया जायते तू शब्द क्यों आया, निश्चय कराने के लिए, अवधार मतलब निश्चय अर्थ में आते हैं, मतलब माया एव इति, माया से सृष्टि होना संभव है, माया रहित सृष्टि होना संभव नहीं है। तू शब्द श्लोक में आया माया जाय, अभी अजायमान बहुधा माया जायते तुष, यहाँ पे जो तू शब्द आया हुआ है वो एवकार अर्थ में आया हुआ, अन्य को व्यवर्तन करने के अधिकरण में वो अज भी है और अनेक रूप में जन्म भी हो रहा है। एक ही धर्म में दो विरुद्ध धर्म कभी भी होना संभव नहीं है। एक धर्मी वो है जो जन्म रहित है, आपकी प्रतिज्ञा है, और वो अनेक रूप में जन्म होता है, ये जो कथन की होना संभव नहीं है। यदि ऐसा श्रुति कथन है तो मानना पड़ेगा उसमें एक तो माइक है, एक माइक है मतलब एक पारमार्थिक नहीं है, एक प्रतीति मात्र है। अब कौन से प्रतीति मात्र है, अब ये निर्णय करे कि जन्म की अजन्म, तब उनका श्रुति पहले प्रतिज्ञा में क्या बोल कर जाए, पहले प्रतिज्ञा क्या कहता है, एक अद्वित बाह्य अभ्यंतर ही अज, वो अज है, इसलिए वहां पे जो जन्म दिखाई पड़ते हो माइक प्राकृतिक है, यह मानना पड़ेगा। दृष्टांत देखो समझ रहे, अग्नौ इव शैत्यम औष्णम च, इस प्रकार एक ही समय अग्नि में शीतलता भी हो और उष्णता भी हो होना संभव नहीं है। एक ही काल में एक ही समय अग्नि में उष्णता भी हो शीतलता भी हो, जल में एक ही समय एक ही काल में शीतलता भी हो उष्णता भी हो जल में, ये होना संभव नहीं है। यदि अग्नि में शीतलता दिखाई पड़ते हैं तो उपाधि के कारण, बहुत गर्मी के समय कमरे में आपने जो है क्या लगाया, अरे एयर कंडीशन लगाया तो ठंडा हो गया, तो क्या हो जाएगा, उपाधि के कारण आपको गर्म ठंडा जैसा लगा, गर्मी में भी ठंडा पहते हैं। इसी प्रकार जो है ठंड के समय आपने जो है ये लगा दिया, हीटर लगा दिया, तो आपको भाई गर्म बनता है, ये उपाधि के कारण होता है, वास्तविक उसका स्वरूप में कोई परिवर्तन है। शैत्यम औष्णम च, जिस प्रकार अग्नि में एक ही काल में एक साथ शीतलता और उष्णता दोनों नहीं हो सकते, अथवा जैसा जल में भी एक ही समय एक ही काल में उष्णता और शीतलता नहीं हो सकते, एक औपाधिक होता है, इसलिए यहाँ भी ऐसा ही मानना है। और दूसरी बात क्या, इस एकत्व ज्ञान से ही फल दिखाया गया श्रुति में, श्रुति में जहाँ कहीं भी फल कथन करते हैं, सृष्टि के ज्ञान से कोई फल कथन नहीं किया, तद विपरीत एकत्व ज्ञान से फल कथन करते होते हैं। फलवत्त आत्म एकत्व दर्शन एव श्रुति निश्चित अर्थ, उस एकत्व दर्शन का फल कथन करने के कारण वो क्या है, श्रुति का निश्चित अर्थ एकत्व अभेद ही है, सृष्टि राहित्व ही है, एकत्व अभेद सृष्टि राहित्व ही श्रुति का तात्पर्य है। वैसे प्रकार का तो देखो श्रुति का तो स्वयं अपने में तत्र मोह अशोक एकत्व अनुवश्यत है ना, यहाँ पे एकत्व अनुपश्यत, गुरु जी के वाक्य को अनुसरण करके बार बार विचार करने पर जो एकत्व के अनुभव हो जाते हैं, जिसको उसको किस वस्तु के लिए उसका शोक अथवा मोह हो सकता है, शोक मोह की निवृत्ति एकत्व दर्शन से शोक मोहती की निवृत्ति दिखा रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का है कि फल रूपी तात्पर्य निर्णय लिंग में फल लिंग आइए तत्र को महाकोशोक एकत्व अनुपश्यत इत्यादि मंत्र वर्णा, ये मंत्र वर्णा से क्या अभिप्राय होगा, ईशावास्य उपनिषद मंत्र भाग विभाषण दर्शन को फल कथन किया और फिर दर्शन को निंदा किया गया, यही युक्ति है। मृत्यु स मृत्यु आपनोति जय नाना इव पश्यति, एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु बार बार मृत्यु में चक्र में घूमता रहा है, जब रहता है कौन भेद दृष्टा पुरुष इति निंदित्व, इस प्रकार से भेद दर्शन का निंदा होने के कारण सृष्टि आदि
भेद सृष्टि निंदिता जब सृष्टि आदि में जो भेद देखते हैं उसका निंदा करने के कारण पारमार्थिक एकत्व यह श्रुति का निश्चय, मतलब एकत्व श्रुति का प्रतिपाद्य विषय यह निश्चय होता है। ठीक है जी, आप इसको टीका को देखिए ना, भाष्य को सामान लोग यहाँ पे कोई कठिन नहीं है, टीकाकार इसको थोड़ा खोल के बताएंगे। अब देखिए तत्र आद्यपादे व्यतिरेक दर्शयित्वा पुनरन्वय व्याख्या अन्वय आख्यानेन व्याचष्टे, पहला पाद में क्या दिखाया, व्यतिरिक दिखा, मतलब निहर नास्ति अविद्या सत्य आपका भेद सत्यम अविद्या अभाव भेद अभाव व्यतिरिक, जहाँ विद्या नहीं है अभिनाना नहीं है, इंद्र माया भी पूर्ण माया से भिन्नता की दिखाई पड़ते हैं, पारमार्थिक भिन्नता नहीं है। इस प्रकार से व्यतिरिक को दिखाकर के तत्र आद्यपादे पहला पाद में निहरा नास्ति इति आमनाया और व्यतिरेकम दर्शित व्यतिरिक भिन्न को देख पुनर्अन्वय आख्यान वचन, मतलब माया होने पर भेद दिखेगा, माया के बिना भेद नहीं दिखेगा, इंद्र माया भी पूर्ण रूपमिया यत्र, मतलब माया के कारण भेद दिखता है, यानी कि माया नहीं है तो भेद नहीं है, पहले व्यतिरिक दिखा निहरा नास्ति किंचन भेद नहीं है और फिर माया के कारण भेद दिखता है। इसलिए हम बोलते हैं यदि ही भूतत एव सृष्टि से यदि सृष्टि पारमार्थिक हुई होती तथा सत्यम एव नाना वस्तुतः ये जितना भेद दिखाई पड़ते वो सब सत्य होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इति मतलब क्योंकि तब अभाव प्रदर्शन है, ये भेद के अभाव को दिखाने के लिए आपने ना शायद श्रुति वाक्य है, इस प्रकार श्रुति वाक्य को नहीं मिलना चाहिए था, ये बोलते हैं श्रुति वाक्य है अस्ति च या निहरण अस्ति किंचन द्वैत भाव से प्रतिषिध्यते कथम कर सृष्टि उपदिश्यते, यदि द्वैत भाव को आप निषेध करते हो तो फिर सृष्टि को उपदेश क्यों करते हो श्रुति, ठीक है, आपने सृष्टि को में जो द्वैत दिखाई पड़ता है श्रुति उसको निषेध करती है, निहर नास्तिक चिंतन, यदि निषेध करने का अभिप्राय था फिर सृष्टि का वर्णन क्यों किया गया, इसलिए सृष्टि सत्य होना चाहिए। बोलते हैं दैत्य भाव से प्रतिषिधते, दैत्य भाव को यदि निषेध किया जाता है तथम तक सृष्टि उपनिषद सृष्टि को पुरस्कृत किया जाता है, तत्र इसको उत्तर बोलते हैं कि हम पहले भी पता करके आया तस्मान आत्म एकत्व प्रतिपत्ति अर्थात कल्पिता सृष्टि, आत्मा की एकत्व को बोध कराने के लिए सृष्टि की कल्पना की गई है, मतलब एक को कारण दिखा करके सारा कार्य उसी कारण के आश्रित है। अभूत एव प्राण संवाद, इस प्रकार प्राण संवाद में प्राण की सृष्टित्व को दिखाने के लिए वहाँ पर लड़ाई झगड़ा पिताजी के पास जाना कथा दिया गया है, उस कथा में तात्पर्य नहीं है, प्राण की सृष्टित्व में तात्पर्य, इसी प्रकार सृष्टि वाक्यों की सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, एकत्व प्रतिपादन में तात्पर्य है, ये कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे टीका में बोलता जाता प्राण वैशिष्ट्य दृष्टियर्थम प्राण संवाद श्रुतिशु कल्पते, प्राण की विशिष्टता की जो भाव है उस दृष्टि को मतलब उपासना की दृष्टि मतलब तो उस दृष्टि से उपासना करने के लिए प्राण संवाद श्रुतिशु कल्पते, श्रुतियों में प्राण संवाद की कल्पना की जाती है। आपको हमने कहा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है आप इसको अच्छा मान के चलो, वो व्यक्ति थोड़ी मानेगा क्यों अच्छा है आपको पूछेगा, तो इसको समझाने के लिए वो जो लड़ाई झगड़ा आदि किया प्राण का अपना कोई विषय नहीं है, इस प्रकार से स्तुति प्रति उसको अच्छा तो प्रतिपद मतलब उसको उसमें तात्पर्य तो अंग रूप है, मुख्य कथन क्या है प्राण सृष्टि, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जो है जैसा प्राण वैशिष्ट्य दृष्टि तो प्राण की विशिष्ट दृष्टि करने की दृष्टि का उपासनात्मक प्राण संवाद श्रुति सुकल्पित श्रुतियों में प्राण संवाद की कल्पना की जाती है तथा सृष्टि एकत्व प्रतिपत्ति अर्थ प्रेण कल्पित, ठीक उसी प्रकार से सृष्टि भी एकत्व को बोध कराने के लिए कल्पना की गई है, मैंने एकत्व प्रतिपत्ति अर्थ प्रेण एकत्व की बोध कराने के लिए कल्पना की गई है। वास्तव्य सृष्टि अयोग्य स्वपदिष्टत्वादि अर्थ, क्योंकि वास्तविक सृष्टि होना युक्ति संगत नहीं है, इस प्रकार के उपदेश होने के कारण निहरण नास्ति के जन श्रुति बोलते हैं वास्तव्य सृष्टि वास्तविक सृष्टि का अयोग जिसमें जो होना संभव नहीं है उपदिष्ट ऐसा उपदेश होने के कारण इति अर्थ है, इसका भी उपयोग करते हैं। कल्पिता सृष्टि इत्यत्र हेतुअंतर दर्शन, सृष्टि कल्पित है इस विषय में एक अलग हेतु को दिखाते हैं, कल्पिता सृष्टि इत्यत्र हेतुअंतर दर्शन एक दूसरा हेतु को दिखाते हुए द्वितीय पादम अवतार्य तात्पर्य, द्वितीय पाद क्या है
इंद्र माया विद्युमान श्लोक से बोलते हैं कि कल्पिता सृष्टि विद्यत्र हेतुअंतर दर्शय, सृष्टि कल्पित है इस विषय में घुसकर हेतु को दिखलाते हुए द्वितीय पाद अवतर या द्वितीय पाद का अवतरण करते तात्पर्य महा उसके तात्पर्य को कहते हैं भगवान भाष्यकर क्या बोलते हैं, इंद्र माया भी द्वितीय की अभूत अर्थ प्रतिपादक न माया शब्द न सृष्टि का प्रदेशा है ना, पारमार्थिक भेद नहीं है वहाँ पर, सृष्टि माया से बचे माया शब्दों के प्रयोग किया गया है, माइक सृष्टि है ये सिद्धि के तात्पर्य है। माया टीका में माया शब्द न सृष्टि व्यापदेशा असो कल्पित युक्ता इति शेष, माया शब्द के द्वारा सृष्टि दिखाई मतलब सृष्टि को प्रयोग करने के बाद सृष्टि कैसे दिखा माया, तो माया के साथ सृष्टि को दिखाने के कारण सृष्टि व्यापदेश उपदेश होने के कारण असो कल्पित युक्त, इसलिए सृष्टि कल्पित है ये कहना युक्ति संगत है, असुर कल्पित है सृष्टि कल्पित है ये कहना युक्ति संगत है, इति शेष ये यहाँ पे मानना पड़ेगा। सृष्टि व्यापदेशा माया शब्द न सृष्टि व्यापदेशा असुर कल्पित युक्त ये वहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इति शेष कहाँ पे जोड़ेंगे आप इसको, माया शब्द न सृष्टि व्यापदेशा ठीक है ना, माया शब्द से माया शब्द न सृष्टि व्यापदेश आगे क्या लिखना है असुर कल्पित सृष्टि कल्पित है शेष भाष्य के साथ टीका की इस पंक्ति के इतना शेष मतलब इतना हिस्सा भाष्य में जोड़ के अर्थ करना है, जहाँ कहीं शेष लिखा रहेगा ना इस पंक्ति के साथ उसको जोड़ के अर्थ पूरा होता है ये दिखाने के लिए उसका शब्द हो जाता है। माया शब्द देखो मूल में आए माया शब्द न सृष्टि व्यापदेश मूल में है भाष्य में उसको माया शब्द न सृष्टि व्यापदेश आगे इतना अर्थ जोड़ना पड़ेगा असो कल्पिता युक्त इसलिए कल्पिता ये कहना युक्ति समुदाय यदि शेष ऐसा जोड़ करके अर्थ करने से अर्थ पूरा जानता है। तो फिर पूर्वादि बोलते हैं अभिधान ग्रंथे प्रज्ञा नामसु पाठा माया शब्द मिथ्यार्थ न भवते की संकते, बोलते हैं भाई हम वैयाकरण हम जानते हैं क्या जानते हैं माया शब्द अर्थ मिथ्या नहीं होता, माया शब्द ज्ञान का अर्थ होता है, बोलते हैं अभिधान ग्रंथ मतलब डिक्शनरी में अभिधान ग्रंथ मतलब निरुक्त निरुक्त निर्घंटो निरुक्त नामक ग्रंथ में डिक्शनरी में वहाँ पे क्या बोलते हैं प्रज्ञा नामसु पाठात, प्रज्ञा के पर्यायवाची शब्द के रूप में पढ़ाए जाने के कारण मैं पांच नंबर टिप्पणी कर लिया था ना, प्रज्ञा नामसु पाठात प्रज्ञा नाम के पर्यायवाची के रूप में पढ़े जाने के कारण माया शब्द मिथ्या अर्थ ना भगवती की माया शब्द का अर्थ मिथ्या नहीं हो सकता इस मन में रख करके शंका करते हैं। ननु प्रज्ञा वचन माया शब्द वेदांति क्या बोलेगा बिल्कुल सही बोला आपने हमने कब बना दिया यहाँ भी परंतु माया शब्द से प्रज्ञा नाम सु काचित काचित कम पाठम अंगीकरण हाँ कहीं पे ऐसा पड़ा होगा वो अथवा किसी स्थान पे माया शब्द से प्रज्ञा नाम सु माया शब्दों का प्रज्ञा नाम के पर्यायवाची के रूप में काचित कम कभी किसी जगह पे पाठम अंगीकरण कहीं पे पाठ है यह हम मानते हैं कहीं पे किसी डिक्शनरी में से ये मानते हैं अंगीकरण सत्यम हम अंगीकार किया ठीक है कोई बात नहीं प्रथम तरह मिथ्यार्थम तत्र तो माया को फिर मिथ्या में बोलते हो तो इसके उत्तर में कहेंगे कथम तरे मिथ्या तत्व तो माया का मिथ्या कैसे हो जाएगा तो प्रज्ञा नाम पर इसके उत्तर में कहते हैं तत्र आहो इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात् अभ्युपगमान अदोष, इंद्रियों के द्वारा जो जिसको जाना जाता है वो माइक ज्ञान है। इतना सुंदर भगवान भाष्यकार जो है ये हम लोग तो जितना इंद्रियों के द्वारा हमारा ज्ञान प्राप्त होता है वो बिल्कुल सच्चा है मैं ठीक देखा और भगवान भाष्यकार ठीक इसका उल्टा बोलता है श्रुति के आधार पर इंद्रियों के द्वारा जो भी चीज का ज्ञान होता है वो माइक ज्ञान है। अरे माइक ज्ञान से व्यवहार होता है माइक ज्ञान से व्यवहार होता है मैं मेरा ही चित्र व्यक्त होता है इंद्रियों प्रज्ञा या अविद्या मैं अविद्या से भरा हुआ मैं मतलब अविद्या की प्राचुर्यता अविद्या की विकार मैं तो अविद्या की प्राचुर्यता मैं तेना माया फिर कहाँ पर माया मंत्र इसलिए कोई दोष नहीं है ऐसा पढ़ने से कोई गलत नहीं हुआ। देखो श्रुति वहाँ पे क्या बोलते हैं कथम तरह मिथ्यार्थम तत्व देखिए नहीं माया शब्द का प्रज्ञा ब्रह्म चैतन्यम अंग जो लिखना है माया शब्दों के द्वारा जिस प्रज्ञा को कहा गया है वो व्यापक चेतन को लेकर नहीं बोला गया है। प्रज्ञा शब्द के द्वारा विष्णम जिसको बोलते हैं यहाँ पे माया शब्द नहीं माया शब्द का प्रज्ञा माया शब्द के द्वारा कथन किया गया जिस प्रज्ञा का वो ब्रह्म चैतन्य व्यापक चेतन के बारे में नहीं कहा गया है परिच्छिन्न ज्ञान को कहा गया है। क्यों श्रुति आप में आप बोलते हैं जहाँ पे ये श्रुति आया हुआ है ना इंद्र माया के तो माया के द्वारा सृष्टि ये श्रुति तो मेरे को मिल गया
भूयस्य अन्ते विश्वमाया निवृत्ति इत्यादि निवृत्ति दर्शन ये शेष सदस्य है प्रथम अध्याय के जो है 40 10 नंबर प्रथम अध्याय के 10 नंबर श्लोक में तस्य अभिध्यानम योजनत्वात् तद् अभावात्। यदि आप मन को परमात्मा में लगा पाएंगे तो माया का अभाव हो जाएगा। भगवान यही बोलते हैं मामेव जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरंगे ये मायिक दृष्टि भेद दृष्टि आप कभी पार कर पाएंगे तो भगवान की स्तुति में मतलब क्षेत्र क्षेत्र उपनिषद में तस्य अभिध्याना उसकी ध्यान करने से योजनत्वात् तत् अभावा मतलब मन जब भगवान से जुड़ जाता है तब क्या होता है द्वैत का अभाव हुआ मैं समय में तो द्वैत नहीं दिखाई पड़ता है तो नहीं दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसके आगे है भूयश्च अन्ते विश्व माया निवृत्ति फिर आगे जाकर के श्रुति अपने आप कह दिया है ये जो व्यापक माया दिखाई पड़ता है माया की निवृत्ति हो जाती है परमात्मा की चिंता से। यदि माया पारमार्थिक ज्ञान प्रज्ञा चैतन्य मतलब ब्रह्म चैतन्य बोला तो उसका निवृत्ति नहीं होती इस माया की निवृत्ति होती है इसलिए माया पारमार्थिक नहीं है। ये शतशतर उपनिषद की मंत्र है भूयस्य अन्ते विश्व माया निवृत्ति इत्यादि निवृत्ति श्रवण इस प्रकार से माया की मिट जाना यह सुनाई देते हैं। माया यदि ब्रह्म चैतन्य व्यापक चैतन्य प्रज्ञा तो कभी नहीं मिटती इसलिए माया यहाँ पे आभिन्न चैतन्य है परिच्छिन्न जो मिटती है। जिला बोलते हैं भूयस्य अन्ते विश्व माया निवृत्ति इत्यादि निवृत्ति श्रवण इस प्रकार श्रुति वाक्य से माया की निवृत्ति सुनाई देते हैं इसलिए माया की पारमार्थिक वस्तु नहीं है। किंतु असो इंद्रिय जन्म किंतु ये जो जो ज्ञान होता है ना ज्ञान ये इंद्रिय जन्म ज्ञान है किंतु असो इंद्रिय जन्म इंद्रिय से पंचेंद्रिय लेना है अहंकार तक लेना है सभी इंद्रिय से है पंचेंद्रिय से जो भी कुछ ज्ञान होता है पंचेंद्रिय से जो भी कुछ ज्ञान होता है सभी जो है माइक है मन बुद्धि चित्त अहंकार भी वो तो उसके माध्यम से ज्ञान होता है बुद्धि के बुद्धि तक जो भी कुछ आपका ज्ञान होगा बुद्धि के विषय है वो माइक ज्ञान है। ये बहुत अच्छी तरह से सबसे सूक्ष्म जाकर यहाँ पे बच जाते हैं हम शास्त्र से हमको जो ज्ञान हो रहा है ये भी जो है इस यहाँ से ज्ञान होगा वो भी माया चाहिए तो शुद्ध तो ज्ञान है इसके पीछे इसका प्रकाशक के रूप में शास्त्र पढ़ के हमें जो बौद्धिक ज्ञान हो रहा है उसका प्रकाशक के रूप में जो बैठा हुआ है वो शुद्ध इसलिए ये बोलते हैं माया को निवृत्त है ना ही माया शब्द भूयस्य अन्ते विश्व माया निवृत्ति इत्यादि निवृत्ति सविना किंतु असो इंद्रिय जन्म क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान है ये इंद्रिय जन्म ज्ञान तस्य च अविद्या अन्वय व्यतिरेक कि वो अविद्या के साथ मतलब अविद्या सत्य भेद सत्यम अविद्या भाव भेद अभाव विश्व में निवृत्ति दिखाया इसलिए हम बोलते हैं तस्य अविद्या अन्वय व्यतिरेक अनुविधाई दया अविद्या के साथ अन्वय व्यतिरेक में अनुविधाई अनुविधा मतलब अविद्या सत्य भेद सत्यम अविद्या भाव भेद अभाव है ना अविद्या सत्य माया सत्य माया से भेद देंगे अविद्या भाव क्या नहीं है माया नहीं है इसलिए आप बोलते हैं व्यक्ति अनुविधाई दया अविद्यामयत्वेन मिथ्यत्वादि सारा जो दृष्टि है वो अविद्यामय मतलब ये मिथ्या है माया शब्द से मिथ्यार्थ इसलिए माया शब्द का जब हमने मिथ्यार्थ किया था न अनुपत्ति इसमें कोई युक्ति होना था नहीं है इति अर्थ इसका विपरीत अर्थ यही है। तात्पर्यार्थम उक्ता तत्रैव अक्षर आनुगुण्यम आह इस प्रकार स्तुति की तात्पर्य किसमें है एक अक्षर करने के बाद अब वहाँ पे जो इस विषय में जो पद आया हुआ है उस स्तुति के अनुसार अनुकूल कर उस पद को अर्थ करते हैं। तात्पर्य अर्थम उक्ता मतलब जो यहाँ पे स्तुति वाक्य के चयनम बद्ध की तात्पर्य इसका द्वितीय पाद से द्वितीय पाद क्या है इंद्र माया भी पूर्व रूपम श्लोक का द्वितीय पाद है इस द्वितीय पाद का तात्पर्य क्या है उसको कथन करके तात्पर्य अर्थम उक्ता तत्रैव इस तात्पर्य में ही अक्षर अनुगम अनुगुण नामक श्रुति वाक्य की अनुकूलता है उसको दिखाते हैं। 7 नंबर तत्रैव तात्पर्य विषयभूति अर्थ तात्पर्य क्या है भेद राहित्य ये सारा भेद माइक देख इस विषय में इसको इस अर्थ को कहते हैं अक्षर का अनुगुण करके कहते हैं तत्रैव अक्षर अनुगुण इस विषय में मतलब एकत्र के बुद्ध में तात्पर्य के विषय बुद्ध जो एकत्र है उसी अर्थ में जो है यहाँ पे कहते हैं श्लोक की जो अक्षर है उसको अर्थ करते हैं। माया भी इंद्रिय प्रज्ञा भी ठीक है भाष्य में देखिए माया भी मतलब इंद्र माया भी पूर्व रूपम दीयते माया भी मतलब इंद्रिय प्रज्ञा भी अविद्या रूपा भी दिया अविद्या के कारण अविद्या रूप से वो अनेक रूप में दिखाई पड़ती है यहाँ पे कभी अभी अच्छा फिर जो है यहाँ पे इंद्र माया भी
पूर्ण रूप सन इयते इति संबंध अनेक रूप होकर के प्रतीति होते हैं। पूर्ण रूप मतलब अनेक रूप सन होते हुए इयते इति संबंध इंद्र माया भी पूर्ण रूप इयत यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं ठीक है ना। श्लोक में तो केवल इंद्र माया भी दिया हुआ है, भगवान का शिकार यही है, पर पूरा सूत्र वाक्य क्या है पूर्ण रूप इयते, तो यहाँ का आनंद मिल दे रहा है पूर्ण रूप सन मतलब अनेक रूप होते हुए प्रतीति होती है। ये यहाँ पे पूर्ण वाक्य यहाँ पे यदि संबंध ऐसा अन्य मायामय सृष्टि इत्यत्र हेत्वांतर परत्वेन तृतीय पादम अवतारयति। ये सृष्टि मायामयी है, ये सृष्टि मायिक है, मायामयी सृष्टि इत्यत्र इस विषय में एक पिछला हेतु दे रहा है, हेत्वांतर परत्वेन हेतुअंतर के बोधक के रूप में तृतीय पादम अवतारयति। तृतीय पाद क्या है, अजायमान बहुधा, ठीक है ना, अजायमान मतलब क्या है जिसमें जन्म होना संभव ही नहीं है, इस प्रकार के वस्तु में अनेक प्रकार जन्म होते हैं। तृतीय पादम अवतारयति अजायमान बहुधा विजायते, यानी श्रुति वाक्य है, वो जन्म रहित होते हुए भी अनेक प्रकार से जन्म हुआ जैसा प्रतीति होता है इस श्रुति, इस प्रकार श्रुति वाक्य होने के कारण बोलते हैं अजायमानस्य बहुधा विजायमानत्व विरुद्धम। आनंद गिरी बोल रहा है वो जन्म रहित है और अनेक प्रकार से जन्म होते हैं, तो विरुद्ध कथन है, विरुद्ध है बिल्कुल, जो जन्म रहित है वो अनेक प्रकार से जन्म होते हैं, आपको कैसे श्रुति वाक्य है, ये श्रुति ऐसे बोली, यानी कि एक में पारमार्थिकता है एक में अपारमार्थिकता है, जायमानस्य अजायमानस्य बहुधा विजायमानत्व विरुद्धम, जो जन्म रहित है वो अनेक प्रकार से जन्म लेते हैं, इसलिए तो विरुद्ध कथन है। यदि आशंका चतुर्थ पाद उत्थापयति, चतुर्थ पाद क्या है मायाया जायते दुष, ये चतुर्थ पाद, अरे ये जो अजायमान की जन्म होता है ना कैसे होता है माया से होता है, मायाया जायते दुष होता है विरुद्ध, यदि आशंका चतुर्थ पाद उत्थापयति, चौथा पाद है मायाया जायते दुष, तस्मात् मायाया एव जायते दुष, इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा सृष्टि पारमार्थिक नहीं होने कारण माया से प्रतीति होती है। अब यहाँ पे श्रुति में तो हमारा ग्रंथ का देखो मायाया जायते दुष, वहाँ पे तो एवोकार तो बोला नहीं, कौन कारिका कर दे भगवान भक्त का एवोकार कहाँ से लाए, क्या बोल रहे हैं आप, देखो अश्रुतस्य कथम एवकारस्य अभाव नहीं सुनाई दिया वहाँ पे कारिका में, आपने शुद्ध एवकार कहाँ से जोड़ दिया, अब आपको जोड़ देना अश्रुतस्य कथम एवकारस्य अभाव इति, ऐसे अब कैसे इसको ग्रहण कर सकते हैं इति आसन कैसे संकटन में होते दू शब्द, यहाँ पे दू शब्द या एवकार अच्छा प्रयोग किया गया है, आठ नंबर नौ नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ते हैं ना, आठ नंबर उत्थापयति मतलब उत्तर तेन, इसके उत्तर के रूप में लाते हैं, क्या शंका किया था वहाँ पे कि आप अजायमान अनेक प्रकार से उत्पन्न होते हैं विरुद्ध कथन में कैसे बोले, उसके उत्तर के रूप में बोलते माया जायते दुष, कि अब भी यहाँ पे जो नौ नंबर अश्रुतस्य कथम एवकारस्य अभाव मतलब प्रक्षेप, अपने आप उठा करके कैसे लगा दिया इसके ऊपर एवकार कैसे लगा दिया आपने, बोलते हैं तू शब्द के कारण, तू शब्द अवधारणार्थ, तो शुभ शब्द लगा करके क्या अर्थ होता है माया एव, माया से सृष्टि होना संभव है पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं है, इसलिए बोलते हैं अवधारण रूपम अर्थम एव अभिनयति, है ना, ये अवधारण किया निश्चय करना है, इसको अभिनय मतलब भाष्यकार अपने आप जो है एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, माया से ही मतलब शब्दों के द्वारा माया से ही जन्म होना संभव है, माया से भिन्न जन्म होना संभव नहीं है, ठीक है ध्यान में रखिए उसको। कल लास्ट वाला पढ़े थे, आज प्रथम होगा पहले वाला ना, अजम् अपि योनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगतिं च गतिमत्तां प्राप्तेकं हिरणेकं विविधविषयधर्मप्रायुक्षाणां प्रणतभयविहन्तु ब्रह्मजत्तन्नभोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णमादाय 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 पूर्णमादाय।